औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं टर्किश कबाब। टर्किश कबाब को हम कुबीदा भी बोलते हैं और इसको कोफ्ती कबाब भी बोलते हैं। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत इजी है, घर के मसालों से बन जाती है। सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि जो आपको डालनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं सुमाक। सुमाक जो है ये अक्सर अरबिक शॉप से मिल जाती है, टर्किश शॉप से मिल जाती है। ये थोड़ी सी खट्टी खट्टी होती है, जैसे अनारदाने का टेस्ट होता है उस तरह की। हम आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। मेरे पास चिकन है बोनलेस, दो अदद मेरे पास ब्रेड्स हैं, उसको मैंने टोस्ट करके और छोटे छोटे उसके पीसेस कर लिए हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। एक अदद मेरे पास गार्लिक है और एक टेबल स्पून मेरे पास सुमाक का है और आधा टी स्पून मेरे पास है सूखा धनिया, आधा टी स्पून मेरे पास गरम मसाला का है और आधा टी स्पून मेरे पास जीरा पाउडर का है। एक टी स्पून मेरे पास नमक है, नमक आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मची मेरे पास काली मिर्च की है और आधी चम्मची मेरे पास हाफ ग्रैंड चिली फ्लेक्स की है। एक अदद टुकड़ा मेरे पास अदरक का है जिसको हम अभी चॉप करेंगे। चार अदद मेरे पास ग्रीन चिलीज हैं और तकरीबन दो बड़े चमचे मेरे पास कोरिएंडर के हैं, धनिया के हैं। और ये है पार्सली, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कबाब्स के लिए। एक अदद मेरे पास बड़ा प्याज है, प्याज माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। आप अगर आपके पास इतना बड़ा नहीं है तो आप इसमें दो प्याज डाल सकते हैं। पांच अदद मेरे पास छोटी छोटी मिर्चें हैं। इन मिर्चों का टेस्ट एग्जैक्टली सेम ऐसे ही होता है जैसे कि शिमला की मिर्च होती है। अगर आपके पास ये मिर्चें अवेलेबल नहीं है आपकी कंट्री में तो आप शिमले की मिर्च डाल सकते हैं। पार्सली कुछ हमारी इस तरह होती है, फ्रेश पार्सली है, इसको मैंने चॉप करके रख लिया है। अभी हम आपके साथ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उस पर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक बारीक काट के तो इसके अंदर हमने रख लिया है। प्याज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिलीज जिसको मैंने बारीक बारीक करके काट के रख लिया है। बेल पेपर जो बोलती हैं उसको, बेल पेपर्स को मैंने बारीक बारीक काट के उसके अंदर डाल दिया। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें साथ ही ग्रीन चिलीज और जिंजर, साथ ही हम इसमें डाल देंगे गार्लिक। इसको डालने के बाद अब हम इसको बंद करके तो इसको चॉप करते हैं। बाद में हम इसमें पार्सली और धनिया डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें डालेंगे पार्सली, इसको मैंने दो के काट के रख लिया हुआ था। के साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कोरिएंडर धनिया। अभी ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। पानी ड्रेन करने के बाद अब फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी हम चिकन का कीमा बनाएंगे उसी चॉपर के अंदर। अभी हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। ऑल स्पाइसेस, गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर वो इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सुमाक। ये जो हमारे पास ब्रेड के क्रम्स है वो हम इसमें डाल देंगे। एक बार फिर इसको चॉप करेंगे। अभी जो हमने प्याज और मिर्चों को
ग्राइंड किया था उसका हमने पानी ड्रेन कर लिया है। अब उसको हम इसमें शामिल करके एक बार फिर इसको चॉप करते हैं। एक अदद हम इसमें डालेंगे अंडा बाइंडिंग के लिए। कबाबों के मिक्सचर का कीमा हमारे पास अभी रेडी है। अभी हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ढाँप के। कीमा हमारा रेडी है। अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के पाम पे हाथों को थोड़ा सा ऐसे ग्रीस कर लें। उसके बाद आप कीमा उठा के उसका एक कबाब एक गोला सा बनाते हैं। गोला गोल सा बना के उसका तो फिर हम उसको सीख के ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसे गोला बन गया। अभी हम लेंगे एक सीख और सीख को हम इसके अंदर ऐसे लगा के अभी आप फिंगर की मदद से इसको शेप दे सकते हैं। बाकी जो है उसके ऊपर जो पैटर्न है वो ग्रिल बनाएगी। तो आपने इसको इस तरह बना के तो सीधा आपने ग्रिल पे रख देना है। थोड़ा सा हाथों पे पानी लगा लें। पानी लगाने के बाद एक और थोड़ा सा गोला बनाते हैं। ये तकरीबन 1 किलो के तकरीबन 10 कबाब बनेंगे। इस तरह गोला बना के सीख लेके आपने इसके ऊपर आपने इसको ऐसे हाथ की मदद से इसको फैला देना है। चिकन के कबाब हैं, बच्चों ने तो बहुत पसंद किए हैं। मैंने 2 बना के ट्राई के तौर पे उनको दे दिए थे। अभी मैं आपको बनाना बता रहा हूँ कि सीख के ऊपर कैसे बनाते हैं। ये देखें आपने, बड़ा सिंपल है, इजी सा। अभी थोड़ा सा हाथ को गीला करके इसके ऊपर हम पैटर्न बना लेते हैं। ये बन गया। अभी हम इसको ग्रिल पे लेके जाएंगे। ग्रिल अभी हमारी रेडी है। अभी हम इसके ऊपर स्क्यूज को लगाते हैं। ग्रिल हमारी भी ऑन हो गई है। इसको हम लेके जाएंगे अभी चिकन पे। चिकन प्रेस ओके। अभी जैसी गर्म होती है उसके बाद हम इसमें कबाब रखते हैं। थोड़ी देर बाद आप इसको देखते जाएं। देखें अभी इसके ऊपर भी पैटर्न बनना शुरू हो गया है। अभी इसकी हम साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज करके एक बार फिर इसको बंद करते हैं। फैट्स जो हैं कीमे के सारे नीचे आ जाते हैं इस ट्रे के अंदर। ये फैट फ्री होता है। Don't forget to subscribe, like, and comment on our latest videos.